भी है, हमारे घर में सबको बहुत पसंद आया, हमने बनाया, बहुत टेस्टी बना था। और यकीन मानिए सबनी उंगलियाँ चाट चाट के खाई, प्लेटें चाट चाट के खाए, उंगलियाँ तो चाट ही डाली है, और बहुत टेस्टी बनाया। आप इसको चावल से रोटी से खाइए, लेकिन चावल से ज़्यादा अच्छा लगता है, चावल से ज़्यादा मज़ा आता है खाने में, आप चावल से ज़्यादा ही खाइएगा, ठीक है। हमें तो चावल से अच्छा लगता है, मैंने चावल ही बनाया, रोटी थोड़ा कम बनाई मैंने बस। तो ये देख सकती है ना, आप इसी तरह से बनाइएगा और मेरा फीडबैक भी दीजिएगा कैसे बनाया है। आप बना के खाइएगा ज़रूर, मुझे बताइएगा कैसे बना है। और अभी तो ये बहुत कम हो गया, लोग बहुत कम बनाते, पहले ज़माने में बनाते थे लोग, लगता है अभी कोई भी नहीं, आज की लड़कियां तो बिल्कुल ही नहीं बनाती हैं, जो 10-20 साल पहले की लड़की वो भी नहीं कुछ बनाती हैं, ये सब बनता ही नहीं है। जो गोरी लोग हैं उनको पसंद है, मेरी दादी हैं यहाँ पे तो उनको ज़्यादा पसंद है, यही सब चीज़ उनको मांगता है, फ्लोरी का सालन और तो सेवड़ा सेंधा ये सब वगैरह वगैरह इनको यही चाहिए खाने को, दाल वगैरह तो उनको अच्छा ही नहीं लगता, ये सब मांगते हैं खाने को, ये बोलते हैं तो ये सब आम है, ये तो कभी कभार बनता है, तो आप ये ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या सामान लगेगा और मैं आपको एक एक करके इसे बताती जाऊँगी, लास्ट तक वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, इंशाल्लाह आप लोग भी ठीक होंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ खिरवी, मैंने ग्रेवी वाली खिरवी बनाऊंगी, तो मैं सालन लगाऊंगी। तो मैंने उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे एक कप बेसन लिया है, देखिए एक कप बेसन है, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और पाव से थोड़ा आधे से कम हल्दी पाउडर। तो चलिए यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ले ली, इसमें डाल देंगे बेसन को, बेसन, हल्दी, मिर्ची, स्वाद अनुसार नमक और इनको अच्छे से मिला लूँगी। तो यहाँ पे है जिससे हमने बेसन लिया है उसी कप से मैं 2.5 कप पानी डाल दूँगी, ये देखिए इसी कप से 2.5 कप पानी डालूँगी। ये 2.5 कप अब इसको अच्छे से मिला लूँगी। यहाँ पे देखिए हमने बिल्कुल अच्छे से इसको मिला लिया, एक भी लम्स नहीं, एक भी गांठें नहीं है, देख सकती हैं। अब चलिए मैं इसको गैस पे चढ़ाऊंगी और मैं इसको जब तक चलाऊंगी जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाएगा, उसको अच्छे से कट्ठा कट्ठा पका लूँगी, एकदम बिल्कुल घट कर लूँगी। तो चलिए इसको गैस पर चढ़ा के सबसे पहले पकाती हूँ। और इसी के साथ मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून सफ़ेद जीरा, इसको कंटिन्यू चलाते रहिएगा, नहीं इसमें लम्स पड़ जाएगा, गांठें पड़ जाएगी और फिर आपकी खिरवी अच्छी नहीं बनेगी, ठीक है। ये देखिए 2 से 3 मिनट, 3 से 4 मिनट लग जाते हैं इसको गाढ़ा होने में, ये देखिए एकदम अच्छे से हो चुका है। अब इसको 1 से 2 मिनट और पका लेंगे फिर गैस को बंद कर देंगे। आपको कैसे पता चला कि आपकी खिरवी का आटा हो गया? तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आप लेंगी तो इसको गिराएंगी तो ये देखिए इस तरह से ये नहीं गिरा है ना, बिल्कुल आप दिख रहा है ना, तो समझ लीजिए आपका हो गया है परफेक्ट। तो हम यहाँ पे देखिए इसको किया बंद और इसको एक थाली में निकाल लेती हूँ। यहाँ पे देखिए हमने थाल ले लिया, इसमें जो है हमने इस तरह से आपको ले लीजिए जो भी आपके पास हो, सीनी तसला जो भी उसमें आप जमा दीजिए। तो यहाँ पे हमने इस थाली ली, अब इसमें हमने तेल लगा दिया अंदर और इसमें आप डाल देंगे ये अपने मिक्सचर जो हमने बनाया है और इसको थोड़ा सा मैं मोटा रखूँगी। अब यहाँ पर इसकी मदद से मैं इसको अच्छे से फैला दूँगी, ठीक है। यह आप कटोरी में पीछे लगा दीजिए तेल और उसकी मदद से भी कर सकती हैं। ये देखिए हमने थाल में इसको अच्छे से लगा लिया है और अगर आपको जल्दी है तो इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिए तो भी फटाक से ठंडा हो जाता है, तो आप कट कर लीजिए। यहाँ पे हमने जो थोड़ा सा बचा हुआ था बिल्कुल पतला हमने यहाँ पे एक बनाया है वो भी मैं आपको दिखाऊँगी, बहुत पतला से, ये देखिए अभी से ही उठ जा रहा है पर गर्म है अभी ये। और चलिए इसको ठंडा होने देती हूँ, ठंडा हो जाएगा फिर आपसे मिलेंगे, जब तक मैं ग्रेवी की तैयारी कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए 10 मिनट हो गया, बिल्कुल ठंडा हो गया है तो मैंने इसको कट कर लिया है, बिल्कुल हम डायमंड कट किया है। आप चाहिए तो जैसे आपको पसंद है उस तरह से आप कट कर सकते हैं। तो हमने इस तरह से हमने इतनी मोटी रखी है खिड़की, देखिए इतनी मोटी कि जो है अच्छा लगता है। और यहाँ पे हमने जो थोड़ा सा बचा था वो साइड में वो पतला कर लिया मैंने इसे रुखा ही खाने के लिए, तो इसको ऊपर बघार डाल दूँगी और ये ऐसे ही खाऊँगी मैं। इसको बिल्कुल पतला हमने किया है, देख सकती हैं बिल्कुल ये, ठीक है। इस तरह से हमने इसको भी पीसेस कट लिया है, ये देखिए चौकोर। तो चलिए अब इसके लिए मैं मसाला निकाल लेती हूँ। यहाँ पे जो हमने मसाला वो आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमने 2 बड़े साइज़ की प्याज लिया, इसके जो है हमने पीवी बना लिया, जैसे पीस लिया है इसको बिना पानी का, हाँ पीसने का, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिया है 150 ग्राम दही, मतलब 1 कप दही है, और 1 टी स्पून हमने लिया अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर हमने लिया है 5 चम्मच मेथी और 1/2 टी स्पून जीरा है,
सफ़ेद जीरा है, और 2 टीस्पून हमने लिया धनिया, 1 टीस्पून तीखे वाली रेगुलर वाली मिर्ची लिया है, और जीरा पाउडर लिया है 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, और ये है सौंफ का पाउडर 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो अब चलिए बाहर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए हमने 4 टेबल स्पून तेल डाल दिया, हम थोड़ा तेल कम यूज़ कर रहे हैं, आप कुछ ही ज़्यादा यूज कर सकती हूँ, तो यहाँ पे डाल दूँगी मैं। ये देखिए तेल गर्म हो गया है, तो मेथी और जीरा और थोड़ी सी हींग डालूँगी मैं यहाँ पे। डाली मैं हींग, ये देखिए पांच में थोड़ी सी हींग, और डाल दूँगी मैं प्याज जो मैंने पीस के रखा है। यार देखिए मेरा मसाला तो प्याज भून कर रहा है, तो अब इसमें डाल देती हूँ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसको भी 2 मिनट हम भून लेंगे, पका लेंगे, ताकि उसका कच्चापन निकल जाए। यहाँ पर देखते हैं लहसुन भी हमारा, लहसुन अदरक भी मसाले से भून चुका है, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आने लगी। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ अपने मसाले जो हमने आपको दिखाए थे, ठीक है, धनिया मिर्च वगैरह। तो इसके साथ में 2 टेबल स्पून पानी डाल देती हूँ ताकि मसाला ना जले, और स्वाद अनुसार नमक भी डाल देती हूँ, 1 टीस्पून नमक डालूँगी मैं। अब अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हूँ, मैं छोटी चम्मच से डाल रही हूँ। अब यहाँ एक सीक्रेट डाल रही मैं, बेसन। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून हमने बेसन डाला है, ये खाने वाले चम्मच है, 1 चम्मच हमने डाला है, आपका छोटा चम्मच है तो 2 चम्मच डाल दीजिए, चाय वाले से जिससे हम चाय पीते हैं। तो 3 टी स्पून से 2 चम्मच और बड़ा खाने वाले चम्मच से 1 चम्मच बेसन डाल देंगे, इससे बहुत क्रीमी और बहुत टेस्टी बनता है सालन, ठीक है। तो इसको भून लेती हूँ, इसका बेसन का कच्चापन निकल जाए, फिर मैं इसमें दही डालती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा बेसन भी भून चुका है, तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ दही, कटा हुआ दही हूँ, ठीक। और इसको भी दही को भी पका लेंगे ताकि दही का भी कच्चापन निकल जाए और बिल्कुल भून जाएंगे, ठीक है। आप इसका लुक देखिए, मसाला कितना प्यारा लग रहा है, लगता है ऐसे ही आप खा जाइए चटनी से, बहुत टेस्टी लगता है, आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं बना के लिए। और मैं काफ़ी दिन से भी सोच रही थी आप लोग के साथ शेयर करूं, लेकिन नहीं हो पा रहा था, क्या है ना वीडियो बनाने को देर लगती है ना, और आप लोग साथ दीजिए ना, तो इंशाल्लाह मैं आगे बढ़ती रहूँगी। और मेरे वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें, सब्सक्राइब के लिए करें प्लीज़। और आप इस तरह से सब्ज़ी बनाएंगे ना, तो आप देखिए मैंने पनीर मटन भी खाना भूल जाएंगे, तो इस तरह से सब्ज़ी इतनी टेस्टी ये सब्ज़ी बनती है। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊँ, तो ऐसे आज मेरा भी हाल हुआ, तो सोच रही क्या बनाऊँ, चिकन मटन सब्ज़ी खा खा के बोर हो गए, बच्चे भी बोर होंगे, तो फिर मैं सोची लो बेसन का खड़वी बना लेती हूँ। अच्छा हमारे यहाँ खड़वी ही बोलते हैं, आप लोग क्या बोलती हैं आप लोग ज़रा कमेंट में बताइएगा। और ये देख सकते हैं ना खाना है, आपको मुँह में पानी आ रहा है ना, हमको लग रहा है आपके मुँह में पानी आ रहा है, इसको देख ही के पानी आ रहा है। तो अच्छा यहाँ पे देखिए मसाला भी माशाल्लाह से मेरा भून गया है, और एक साइड मेरा पानी भी हमने रखा है ग्रेवी लगाने के लिए सालन, और तो वो भी गर्म हो चुका है, मैं गर्म पानी यूज़ करती हूँ। तो देखिए ना इसने तेल अपना छोड़ दिया, आपको दिख रहा होगा ना शायद साइड में तेल। एक्चुअली मेरा मोबाइल ख़राब हो चुका है, इसमें पानी चला गया, तो ये बिल्कुल आधा जो है काला हो गया है, आते से ही मैं मोबाइल वीडियो बना रहा, लेकिन माशाल्लाह अच्छी वीडियो आ रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं बन रही है। तो ठीक है आप लोग दुआ कीजिए, इंशाल्लाह बनवा लेंगे। अच्छा आपको कैसे पता चलेगा आपका मसाला भुन गया, तो आप इसको नाक से भी सूंघ सकती हैं, बहुत अच्छी स्मेल, बहुत अच्छी खुशबू आती है। और एक्चुअली इससे भी देख सकते हैं आपका तेल जो है ऊपर आ गया, सिकरेट हो गया है, तो ये आपका मसाला बिल्कुल परफेक्ट भुन चुका है। तो चलिए अब मैं इसमें ग्रेवी लगा देती हूँ, और ग्रेवी आप पतली गाढ़ी कुछ भी कर रख सकती हैं, थोड़ा सा मैं पतली रखूँगी, और तो मैं दिखाती हूँ। चलिए मैं 2.5 कप पानी डालूँगी, थोड़ा मुझे पतली ग्रेवी चाहिए, ये बाद में ना सोख लेता है ना खड़वी, तो मैंने 2.5 कप पानी डाला है। जब आप गर्म पानी डालते हैं सालन वगैरह में, मटन चिकन जिसमें भी डालोगी, तो जल्दी से अपना जो है पकने लगता है, और फिर वो ऐसे ठंडा पानी डालते हैं ना, तो गोश्त वगैरह मटन चिकन ये सब जो है ऐड जाता है, ठीक। तो इसलिए हमेशा गर्म पानी ही डाला करें गर्म चीज़ में, अगर फ्रिज में पका के आप रखें और आपको उसमें गर्म पानी डालोगे तो वो बेकार जाएगा उसका टेस्ट, तो उसमें ठंडा में ठंडा पानी डालने का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरी ग्रेवी बहुत अच्छी है, ये देखिए बिल्कुल जितना मेरी चाहिए है उतना ही परफेक्ट है। और अब क्या करूँगी मैं इसको जो है एक उबाल दूँगी, उसके बाद लो फ्लेम पर 10 मिनट पकाऊँगी,
उसके बाद मैं अपनी खिड़की डालूंगी इसमें, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। आप इस स्टेज पे पहले नमक चेक कर लीजिए जब पानी डाले तो, और अगर नमक कम है तो थोड़ा नमक डाल दीजिए। मुझे नमक कम लग रहा है तो मैं बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, पाव चम्मच के बराबर, ये देखिए दो, तो थोड़ा उसमें भी है ना अपनी खिड़वी में, तो वो कवर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 10 मिनट हो गया है ग्रेवी को पकते हुए, और अब मैं इसमें जो है खिड़वी जो बना कर वो डाल देती हूँ। तो इस तरह से आप देख सकती हैं ना, ये इसी तरह से मैं इसमें डाल दूंगी। तो अब मैं इसको डाल दिया, ये देख सकती हैं। तो अब मैं इसमें को जो है 4 से 5 मिनट पकाऊंगी बिल्कुल लो फ्लेम पे, ठीक है, मीडियम हाई होगा, थोड़ा से लो से थोड़ा हाई, ठीक है। तो अब चलिए इसको ढक देती हूँ और इसको 4 से 5 मिनट और पका लेती हूँ। कि मेरी खिड़वी तैयार, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। मिलते हैं फटाफट आपसे। तो चलिए यहाँ पे हमने जो दूसरा कट करके रखा ना, सादा बनाया ऐसे ही खाने के लिए, तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको इतना पतला पतला काट के रखी है ना, तो इसके लिए मैंने जो बघार तैयार कर लेती हूँ और इसको भी तैयार कर लूँ जब तक वो पक रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमने लिया है 1/2 टीस्पून व्हाइट वाला तिल है, और थोड़ी सी हमने लिया है 5 चम्मच राई, 10 से 12 यह कड़ी पत्ता है सूखा हुआ है, आपके पास ताज़ा है तो वो ले लीजिए, और थोड़ी सी हमने लिया है हींग, और यह है एक मिर्ची गोल वाली है, और यहाँ पे हमने थोड़ी धनिया लिया है और एक बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। सबसे पहले मैं यहाँ पे हरी मिर्ची इस पे डाल देती हूँ बारीक कटी हुई, और थोड़ी सी हरी धनिया, देखिए। अब इसका बघार के लेके आती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने कलछे में थोड़ा सा तेल लिया है और उसको वो खड़ी हुई बघारने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमने बघार जो किया तो वो डाल दिया इस पे, तो बहुत टेस्टी लगता है, इसे बना के जरूर खाइएगा, ये बहुत यम्मी बहुत टेस्टी। देख रही है ना कितने खूबसूरत लग रहा है ना, बस ऐसे ही आप इसको चटनी से नहीं ऐसे ही खा लीजिए। तो मैंने थोड़ा इसको नीचे ऊपर कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए उबाल आ गया है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ क्रिस्प किया हुआ और रोस्टेड कसूरी मेथी 1 टीस्पून, इससे ना बहुत अच्छे टेस्ट आता है और खुशबू भी बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए हमारी खिड़वी मसाले से पक चुकी है, देख लीजिए पूरा ऊपर तैर रहा है ना, देखिए ना पूरा आ रहा है ना ऊपर, आपको दिख रहा है ना बिल्कुल ऐसे ही आना चाहिए ऊपर, अगर बैठ गया तो समझ लीजिए आपका वो खिड़वी अच्छी नहीं बनी है। तो ये पूरा तैर रहा है और इसको 2 मिनट हो गया पकते हुए, और 2 से 3 मिनट और रखूंगी, सर्व करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए 4 से 5 मिनट हो गया पकते हुए, हमने गैस को कर दिया बंद, और इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी हरी धनिया, ठीक है। अब इसको बंद करके 5 से 6 मिनट ऐसे ही छोड़ दूंगी, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ये देखिए मेरे दोनों खिड़वी साथ में बैठे हुए हैं, ये देख रही हैं। तो चलिए मैं इसको एक बाउल में निकाल लेती हूँ, आपको फिर दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने एक बाउल ले लिया है, प्यारी से छोटी सी मेरी कढ़ाई है, और ये देखिए माशाल्लाह, देख रही ना ये बिल्कुल, मुझे जैसे सालन चाहिए था, ना ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा है, बहुत परफेक्ट है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमने दही डाला है, अगर आपके पास दही नहीं होगी तो 3-4 टमाटर पीस के डाल देने का ग्रेवी में, वैसे इसमें टमाटर नहीं पड़ता है, आप यहाँ पे खटाई भी डाल सकती हैं, गांव में तो खटाई ही पड़ती थी इसमें, हम लोग के बचपन में हमने जब देखा बनता था तो घर पे तो खटाई ही डाला जाता था, तो दही का कोई वही चलन ही नहीं था, दही तो अब मार्केट में आई है नाश्ते कुछते हुए, ठीक है। तो ये देखिए हमारे जो है दोनों मित्र सिंपल सा बिना मसाला बिना ऑयल का टेस्टी हेल्दी खिड़वी वो है, और ये भी एक खिड़वी है, ये भी हेल्दी ही है, ये सालन वाला है, तो आप दोनों में से दोनों ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा आप। और चलिए यहाँ पे होती है अच्छा मेरी वीडियो क्लास, मेरी वीडियो बड़ी हो जाती है, हमको लगता है इसीलिए लोग मेरी वीडियो को देखते नहीं और मेरी वीडियो को कोई शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। तो मैं यहाँ पे अब वीडियो को क्लास कर रही हूँ, मेरी आवाज़ अभी भी ठीक नहीं हुई, अभी भी मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रही है मुझे, तो इसलिए अल्लाह हाफिज़, ओके, दुआ में याद रखिएगा आप लोग, और हमारे लिए दुआ कीजिए, मैं आप लोग के लिए दुआ करती हूँ, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।